दोष है जिहड़ा बिल्कुल गलत है। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच यह बिल्कुल निश्चित है भी किसी दे नाल कोई जाति नहीं हो सकती, पर नाल ये भी है कि जिन्हां लोगों ने पंजाब के खजाने नूं लुटिया तो उन्हां लोगों नूं स्पेयर भी नहीं किया जाऊगा, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। सो जिहड़े लोग सही ने निर्दोष ने उन्होंने बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं, सरकार किसी के नाल भी द्वेष भावना के नाल कम नहीं करेगी। एमएलए साहब दूजा अच्छ जो थोड़ा देखे ही है भी जो कांग्रेस भवन के अच्छ कांग्रेस पार्टी रखा गया जी, देखिए भी उत्थे बड़े लीडर जो विरोधी धिर के आगू ने उन्होंने भी अंदर बढ़ दिता गया कांग्रेस पार्टी के गेट। देखो सच्चाई इन्हें सारे पता है, ये जो आपका घर ही नहीं संभाल सकते तो बिजनेस के दफ्तर तक रहो कद नहीं कर चले। असल कांग्रेस पार्टी देश के खत्म हो रही है, लोगों ने इन्हों असली तस्वीर दिखा दी, हूँ जोड़े रेंदे ने एक दूजे नीचा दिखाने लगे हुए। हम पिछले दिन ही आनंद शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश से अस्तीफा दिता है, उत्थे भी सी उन्होंने प्रधान भी बनाया हुआ थी, कम भी नहीं कर दिता जा रहा। सो ये सारे लोग कित सेंटर की प्रधानगी की गल चल रही है, उत्थे भी उन्होंने रौला रप्पा चल रहा है। सो इतने से हूँ अंदर नहीं बढ़न दिता गया, विरोधी धिर के आगू थे वो भी इन्हों की मैं समझदा आपसी खिचोतान है, आपसी खिचोतान तक उन्हें एक गड्डी अंदर खड़ी तो दूजी नहीं बढ़न दिता तो सो की ज्यादा हूँ। सो ये सारे आपस के पटो धप हुए हुए हैं तो यह लोग इन्हों की असलियत जानते हैं तो लोग इन्हों की किसी गलते कोई विश्वास नहीं करते। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब से अच्छ पंजाब का बच्चा बच्चा यकीन करता है, लोगों को यह पूर्ण विश्वास है कि सानू सही सरकार मिली है। तो जो मान साहब ने कहा कि मैं रंगला पंजाब पंजाब का सी बनाउणा उही रंगला पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब बना के देंगे। तुम देखे राजा अपने पुलिस मुलाजमान उन्होंने दोष लाने नजर आए भिड़ते नजर आए, ये सब पुलिस मुलाजमान से दोष देना गलत है। जो मुलाजम उत्थे लगे है वह मुलाजमान ने तो अपने बॉसा के कहने ही काम करना होंगे। सो हुण पब्लिक दे विच कुछ कही जाते हैं, असलियत के अगे पिछे कुछ होर कहा होना। सो यह सब किसी मुलाजम इस तरह डरा इस तरह के धमके देने वधिया गल। बीते दिन देखिया तुसी जिहड़ा बीजेपी वालों CBI दी रेडा मरवाइया जा रही ने, की कहना चाहोगे? देखो हुण कांग्रेस वाले कही तो जाते हैं बिजनेस बारे पंजाब बिजनेस बारे तो उत्थे मूँह नहीं खोलते। अज मनीष सिसोदिया जी जिन्हां दी किते कोई गलती पिछले 8 साल तो नज़र नहीं आई, सिर्फ तो सिर्फ इसलिए क्यों अज आम आदमी पार्टी गुजरात दे विच, आम आदमी पार्टी हिमाचल दे विच, सारे हिंदुस्तान दे विच आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है। सो इस गल नूं दबण विच ED दी उत्थे उन्हां ते रेड करवा दी अपना इस ते सिसोदिया जी दे घर ते, यह सारा कुछ शरेआम लोगों को नज़र आ रहा है। हुण सिसोदिया जी नूं सुनेहा भेज रहे हैं कि तुसीं BJP दे विच आ जाओ, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। सो सही मायने दे विच जे धक्केशाही कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कर रही है, जिहड़ा कोई उन्होंने मुताबक नहीं चलता जिथे उन्होंने लगता तो ED का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सारी बिजनेस का दुरुपयोग कर रहे हैं। सो इस गल नूं रोकण दे लई उत्थे सारे नूं अगे आना चाहिए बजाय इस दे कि इत्थे जिहड़ियां बिना मतलब दीआं गल्लां कीतीआं जा रहीआं ने उह बंद करने चाहीदे ने। सिसोदिया जी ने पर बड़े मान दे नाल कहा कि असीं झुकांगे नहीं, असीं बेशक सिर कटा देंगे। सो यही आम आदमी पार्टी की कि असीं लोगों की सेवा दे रहे, लोगों की सेवा दे विच कोई कताही नहीं होगी। कितना बजट उन्होंने बढ़ाता सी, जे एक्साइज पॉलिसी थी तो बजट अगे ले गए सी। सो ये सारिया गल्लां जो केंद्र की सरकार कर रही है आने वाले समय के लोग वोट दे राही इस गल का जवाब देंगे। जो अज मनीष सिसोदिया जी ते जुल्म ढाण की गल की जा रही है, लोग समझ चुके हैं तो लोग इस चीज़ का वोटों के समय इन्हों सबक सिखाएंगे। तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय के 2024 माननीय अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री।